राइट आंसर दस नंबर टीम नंबर फोर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? लाहौर। सही जवाब दस नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर एट किस राजा के शासनकाल में पहली बौद्ध परिषद आई? और इसमें भाई बच्चों को बता दें कि आप में से जो टीम फर्स्ट में आएंगे वो हमारे फाइनल राउंड में खेलेंगे। आप लोग पूरा ध्यान से इसे देखिए, प्रश्न देखिए, जवाब दीजिए। जो कुछ आपको 50 मिनट करना है करने के बाद ही आप जवाब दीजिए। जो पहले जवाब देगा वही फाइनल राउंड बनता है। फाइनल राउंड होगा तो बताएंगे, अभी डायरेक्ट हो रहा है आपसे पूछा जाएगा आप जवाब दीजिए। तो इसके लिए आ रहे थे संजीव नंदी जी, पहला राउंड खिलाई भाई है संजीव जी, हमारी टोकन मार दो भाई। गेम शुरू करने से पहले मैं खेल के नियम एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। ये डायरेक्ट राउंड है, सही जवाब पे आपको 10 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा, आपको क्लॉक पे ध्यान रखना है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा क्लॉक शुरू हो जाएगा। आपका जो टाइम है वो 20 सेकंड्स का है और टाइम का ध्यान रखना है। रॉन्ग आंसर ये पासिंग राउंड नहीं है, करेक्ट रॉन्ग आंसर जीरो नंबर। टीम टू क्वेश्चन नंबर टू राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जयंती पर मनाया जाता है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। राइट आंसर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 अशोक रीसेट कर दो क्वेश्चन नंबर 1। सारे राज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? रॉन्ग आंसर जीरो मोहम्मद इकबाल। टीम फोर क्वेश्चन नंबर 6 पंजाब के कौन से युद्ध क्षेत्र को पाकिस्तानी फाइटर टैंक के कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए किस मुगल सम्राट ने भूमि दान दी थी? राइट आंसर गुजरात के किस जिले में प्रथम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई? राइट आंसर 10 मार्क में होता है। राइट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर प्रथम बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती?
अच्छा देखो रॉन्ग आंसर भारत में पहला घुड़दौड़ का मैदान किस नगर में स्थापित हुआ? कौन से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं? राइट आंसर आशु रिसेंट क्वेश्चन नंबर एट गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये 20 नंबर का प्रश्न था। राइट आंसर 10 मार्क्स को टीम 3 के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड्स लीग टीम। राइट आंसर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री भोपाल गलत जवाब है। बेंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? जो कोस्टल एरिया है उसे क्या कहते हैं? बेंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में आंसर नहीं मिला है टीम दूसरे आप लोगों का एक नाम शुरू होता है। शरीर के किस हिस्से में होती है? पास हुआ है टीम फोर ब्रेन। सही जवाब सही जवाब जवाब गलत हुआ टीम 4-0। मैंने क्या कहा? आप सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? आंसर दिखाए गए सतीय धान अंतरिक्ष क्या हुआ? जरा फिलिप करें तो ये इसके नियम वो जो बदल इसमें दबा क्वेश्चन होगा और बजर बजर दबा के उत्तर दें इसमें आप सही जवाब देंगे 10 नंबर गलत जवाब का 5 नंबर गलत ठीक इसमें पास भी हो सकता है आप पास करते हैं तो अगली टीम के पास जाएगा उसको 5 नंबर मिलेंगे गलत जवाब के 5 नंबर आपके मिलेंगे खेल आप प्रारंभ करें ये स्क्रीन पर आप देखिए पहला प्रश्न आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? इसका जवाब दिया बिल्कुल सही है इनका जवाब। इंडियन ग्रुप के फाइनल टीम वो भी अपनी लॉटरी के लिए अभी लंच से पहले अपना नंबर ले लें जिससे कि लंच के बाद थोड़ा थोड़ा काम गेम शुरू कराया जा सके। इंडियन के नाम है राधा कृष्ण शिक्षा संस्थान के बच्चे कैपिटल पब्लिक स्कूल बाल शिक्षा निकेतन SBSN पब्लिक स्कूल ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल विद्या कमल स्मारक सरस्वती विद्या निकेतन ये
ये बच्चे जाके अपना लॉटरी निकाल लें। ग्रीनलैंड के बच्चों को जाना है, मैं एक लॉटरी निकलवा देंगी। शांतनु के पुत्र का नाम, कृष्ण के संत का नाम, कृष्ण के शंख का नाम, अंग्रेजी राज्य की प्रथम राजधानी, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, दादर नगर में, कभी आपसे कहीं पे नहीं रह जाएंगे। वंश डायनेस्टी, कर्ण के धनुष का नाम, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, इंडिया में मोस्ट फ्रेंच ओपन टाइटल्स, फ्रेंच ओपन टाइटल्स, तिरंगा किसने बनाया था, रूट डिजाइन तिरंगा। कृष्णा शर्मा, ज्योति चौधरी, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या दिख नहीं रहा, आवाज पे जानना, आवाज भी तो ओडम काशी, काशी का मेला कुंभ शुभांकर शर्मा को किस फिल्म में जाना जाता है?
सबसे पुराना कई सवाल था तो आज भी वाइल्ड टाइगर तो हो गया बता उनका पुस्तक पढ़ते रहते हैं माँ देवी का होता है या फिर समय का पूरा प्रयोग आप जो पहले बच्चा जवाब देगा वही बच्चा फाइनल वही टीम का जवाब माना जाएगा इसलिए जवाब देने से पहले आप ऐसा ना हो कि आप बोलते हैं आपका दूसरा जवाब जो जवाब पहला आएगा वही फाइनल।